तो आज हम बनाने वाले हैं काजू करी। सबसे पहले हमने पानी उबालने रख दिया है, आधा 1 लीटर पानी। उसमें हम डालेंगे 4-5 कांदा, दो कश्मीरी मिर्च है और एक नॉर्मल मिर्च है, आधा कटोरी काजू का टुकड़ा है। अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे, 5 मिनट इसको उबाल लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हम ढक्कन हटा के उसको देखेंगे कि हुआ है कि नहीं। प्याज भी हो गया है, काजू भी नरम हो गया है। अभी गैस बंद कर देते हैं और उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। एक नया पैन रख दिया है, आधा टेबल स्पून उसमें घी डालेंगे। घी को थोड़ा गर्म होके मेल्ट होने देंगे, साथ में आधा कटोरी का काजू डाल देंगे। हल्का ब्राउन होने तक उसको सोते करेंगे मीडियम ताप पर। काजू हल्का ब्राउन हो चुका है, अभी हमने गैस बंद कर दिया है। अब काजू को एक बोल में निकाल देते हैं। हम थोड़ा सा और तेल ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हम डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में 2 इलायची लिया है, 1 दालचीनी लिया है और लविंग लिया है। उसी के साथ में हम 1 तेज पत्ता और 1 हरा मिर्ची डालेंगे। अब डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तीन चार कटे हुए बारीक टमाटर डाल देंगे। पूरा गल जाए उसके लिए हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे, इससे टमाटर जल्दी हो जाएंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे। अब टमाटर हो चुका है, इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें, इसे सुखाना है। अब 1 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। एक मिक्सर की जार में कांदा और काजू डालकर उसको पीस देते हैं, पूरा ठंडा हो जाता है तो। कांदा और काजू की जो प्यूरी है एकदम बारीक पीस लेना है, ज़्यादा उसमें पानी नहीं डालना है, ऐसा गाढ़ा रखना है। अपना मसाला है वो पककर रेडी हो गया है। अब उसमें वाइट ग्रेवी ऐड कर देंगे जो अपने कांदा और काजू पीस कर बनाए थे। मसाला मिक्स हो जाए उसके बाद हमें ढक्कन लगाकर स्लो पर 2 मिनट और पकाना है। हमारा ग्रेवी पककर रेडी हो गया है, मस्त कलर आ गया है। अब हम उसमें डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ धनिया, 2-3 टेबल स्पून पेस्ट क्रीम, को मिक्स कर देते। फाइनली उसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ काजू। अब हम गैस बंद करके प्लेटिंग करते हैं। ऊपर थोड़ा सा काजू डाल देंगे, बारीक कटा हुआ धनिया, आधा हरा मिर्ची, 2-3 टेबल स्पून पेस्ट क्रीम। अब हमारी काजू करी बनकर तैयार है, इसे हम नान या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं।